जी हाँ, स्वागत करता है एक बार फिर से ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आज हो गई है 24 मार्च। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों में कैसा रहेगा देश भर का मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप कौन से राज्य और शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हम आपके राज्य और शहर की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं अगले दो दिनों में कैसा रहेगा देश भर का मौसम का हाल। जी हाँ, 24 और 25 मार्च को भारी बारिश के आसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में एक दो दिन होगी छिटपुट बारिश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली NCR में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में मौसम बदलेगा, जिससे 24 और 25 मार्च को बारिश होगी और ओले भी गिर सकते हैं। वहीं दोस्तों, मौसम की जानकारी को मुहैया कराने वाली SkyMet वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस साल मार्च महीने में काफी अधिक बारिश हुई है। पहले के 15 दिनों में बारिश के साथ ही कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि के साथ ही फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं दोस्तों, 24 और 25 मार्च के बीच दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में छिटपुट बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि राज्य में 24 और 25 मार्च को ज्यादातर जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं जारी हैं। वहीं दोस्तों, ओडिशा में कई जगहों पर, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में कुछ स्थानों पर और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावनाएं जारी है और ओडिशा, झारखंड में बिजली और ओले गिरने के आसार है। वहीं दोस्तों, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक चक्रवातियों का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, इसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पूरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ स्थानों पर अगले दो दिनों तक यानी 24 मार्च तक रुक रुक कर बारिश का आना संभावनाएं जारी है। और दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में हो सकती है बारिश। जी दोस्तों, अभी पूरी तरह गर्मी का मौसम आने में समय है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले 5 दिनों के लिए अभी कई जगहों पर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान के अनुसार अभी कई दिनों मौसम खराब रहने की संभावना है, ऐसे तो आने वाले दिनों में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार 24 मार्च से एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकते हैं। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, विभाग के मुताबिक झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 मार्च को दिखेगा। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके कारण झारखंड में नमी आने की वजह से 24 मार्च में प्रदेश में दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मौसम करवटें ले रहा है। वहीं SkyMet वेदर का अनुमान है कि 24 और 25 मार्च को यहाँ बारिश हो सकती है, इसके अलावा ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद है यह जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिल गई। वही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।